What is rule of law? What is equality before law? And what is equal protection of law? Hello friends, this is Avni Kaushik from LawSikho, and today we will discuss about all of these things which is given under Article 14 of Indian Constitution. So let's start with Article 14 and rule of law. A.V. Dicey ने अपनी बुक में The Constitution of England में rule of law का concept develop किया था, which says that it doesn't matter whether you are a celebrity, a officer or a sweeper or whatever you are. If you does any act which is not legally justified, so the law will equally treat everyone. For example, कोई celebrity है और उसने किसी का murder कर दिया है, या कोई sweeper है और उसने किसी का murder कर दिया है, तो जो लॉ है वो दोनों को सेम ट्रीट करेगी, उसके रैंक और उसके रेपुटेशन के हिसाब से उसे ट्रीट नहीं करेगी. नाउ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट या कोई पर्टिकुलर पर्सन सुप्रीम नहीं होता है. देयर इज ओनली वन थिंग विच इज सुप्रीम, दैट इज लॉ. लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, वेदर यू आर अ गवर्नमेंट और वेदर यू आर अ गवर्न्ड पर्सन. दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन प्रीएम्बल विच सेज Equality of status and opportunities. Article 14 is our first fundamental right which talk about equality. Article 14 बोलता है हमें unequal treatment prohibit करना चाहिए और साथ ही साथ हमें ऐसे laws बनाने चाहिए जो equal treatment afford करे. ये Article 14 clause 1 और 14 clause 2 में बताया, which says equality before law and equal protection of law. Article 14 clause 1 is equality before law. जैसे हमने rule of law में बताया था कि it doesn't matter whether you are a doctor or a sweeper or whatever you are. अगर आप कोई भी ऐसा act करते हैं जो legally justified नहीं है, तो law सबको एक जैसे treat करेगा. इसका एक बहुत ही अच्छा example है lady justice. आपने देखा होगा कि वो blindfolded रहती है. तो everyone is equal in the eye of law. जजमेंट देने से पहले ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको रैंक और आपकी रेपुटेशन के हिसाब से आपको ट्रीट करा जाएगा. तो यही आर्टिकल 14 क्लॉज 1 बोलता है. आर्टिकल 14 क्लॉज 2 इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये कहता है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लॉ का एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो और हर इंसान को एक ही जैसा ट्रीट किया जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक ही घर में अगर एक 5 साल का बच्चा और अगर एक 15 साल का बच्चा है, तो क्या वो दोनों का न्यूट्रिशन सेम होगा? क्या वो दोनों के स्कूल एक्सपेंसिव सेम होंगे? नहीं ना. तो 14 क्लॉज 2 यही बोलता है कि उनकी नेसेसिटी के हिसाब से लॉ बनाया जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई देयर नीड्स ऑन देयर बेसिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वुमेन की सेफ्टी के लिए और वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो क्या वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होगा? नहीं ना. तो आर्टिकल 14 क्लॉज 2 यही बोलता है कि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तभी तो हमारे इंडिया में अच्छे लॉज आएंगे. सो गाइज, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 14, एंड इन दिस आर्टिकल 14 वी हैव लर्न व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.